Hi friends welcome to English study point friends today in this lecture i am going to discuss with you all important works of ruskin bond so friends in the previous lecture i have already discussed with you facts related to ruskin bond but now in this lecture i am going to discuss with you all important works of ruskin bond which are important from ugc net point of view so friends इनमें से कुछ वर्क्स जो है वो मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी एंड बाकी कुछ वर्क्स के जो है सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उनका टाइटल का नाम या, याद रखना ही काफ़ी है सो so, सबसे पहला है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन दहरा सो so, ये जो है ये सारे वर्क्स जो है इनकी एंथोलॉजीज़ है रस्किन बॉन्ड की सो आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन दहरा देन डस्ट ऑन द माउंटेंस ये भी वर्क है रस्किन बॉन्ड का देन नेक्स्ट है द नाइट ट्रेन एट दियोली द नाइट ट्रेन एट दियोली देन नेक्स्ट है द एडवेंचर्स ऑफ रस्टी सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रस्टी रस्किन बॉन्ड ने जो है किस फिक्शनल करेक्टर को जो है क्रिएट किया था सो so, उसका नाम है रस्टी सो so, अपनी लाइफ पर बेस्ड जो है रस्किन बॉन्ड ने एक फ़िक्शनल करेक्टर को क्रिएट किया था जिनका नाम था रस्टी देन नेक्स्ट है टाइम स्टॉप्स एट शमली यहाँ पे शमली जो है एक जगह का नाम है देन नेक्स्ट है हनुमान टू द रेस्क्यू देन नेक्स्ट है काइट मेकर नेक्स्ट अ हैंडफुल ऑफ नट्स देन नेक्स्ट अंकल आंट्स एंड एलिफेंट्स सो फ्रेंड्स इनमें से जो है कुछ वर्क्स के मैं आगे डिस्कस करूँगी डिटेल में कुछ वर्क्स को देन द रूम ऑन द रूफ सो फ्रेंड्स ये सारी जो है ये नॉवेल्स हैं रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखे हुए सबसे पहला नाम है द रूम ऑन द रूफ़ ये जो नॉवेल थी ये रस्किन बॉन्ड ने सबसे पहले लिखी थी जब वो सेवेंटीन ईयर्स के थे एंड इस नॉवेल को जो है पब्लिश किया गया था जब रस्किन बॉन्ड ट्वेंटी वन ईयर्स के हुए थे देन नेक्स्ट है वैग्रेंट्स इन द वैली दैन नेक्स्ट अ फ़्लाइट ऑफ पिजन्स ये जो है ये नोवेला है प्लीज़ रिमेंबर दिस क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स जो है ये रस्किन बॉन्ड का नोवेल है या नोवेला है तो आंसर होगा नोवेला. जिसे जो है 1857 के टाइम पर जो है सेट किया गया है यानी इस नोवेल की सेटिंग जो है 1857 को जो है रिफ्लेक्ट करती है जब इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था एंड इस नावल पर बेस्ड जो है एक मूवी भी जो है आई थी उस मूवी का नाम था जुनून प्लीज़ रिमेंबर दिस जुनून सो so, फिल्म जुनून वाज बेस्ड ऑन दिस वर्क ऑफ रस्किन बॉन्ड देन इसमें एक करेक्टर है रू, रूथ लबाडूर एंड हर फैमिली तो so, flight फ्लाइट ऑफ पिजन्स में जो है एक करेक्टर का नाम है सो so फ्रेंड्स इसका भी नाम याद रख लेना क्योंकि करैक्टर को भी आइडेंटिफाई करने को बोला जा सकता है सो so, इसमें जो है एक करेक्टर है रूथ लबाडूर एंड उनकी फैमिली ये ये जो हुआ करते थे ये ब्रिटिशर्स हुआ करते थे जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स की हेल्प मांगते हैं इंडिया में रहकर क्योंकि ये जो है हेल्प इसलिए मांगते हैं क्योंकि इन्हें जो है अपने रिलेटिव्स के पास जो है पहुंचना है क्योंकि इनकी फैमिली में इनके फ़ादर को यानी रूथ लेबडूर ये एक लड़की है इनके फ़ादर को जो है चर्च में मार दिया गया था बाय द इंडियन रिबल्स जो इंडियन रिबेलियंस थे उन्होंने जो है रूथ लेबडूर के फादर को मार दिया था चर्च में सो टेक हेल्प ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स टू रीच द रिलेटिव्स व्हेन द फैमिलीज पेट्री किल्ड इन अ चर्च बाई द इंडियन ट्रिबल्स देन नेक्स्ट है it starts विद द डेथ ऑफ फादर ऑफ़ रूथ लेबाडूर सो ये जो मू ये जो नावल है अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स ये इस नावल की जो शुरुआत है वो इस तरह से होती है कि उसमें जो है ये दिखाया हुआ होता है कि रूथ लेबाडोर के फादर को जो है चर्च उसी के सामने यानी रूथ लेबाडूर के सामने ही चर्च में उसी के फादर को मार दिया जाता है देन दे अब बात करते हैं मैरियन मरीम लबाडूर की ये रूथ की मदर होती हैं शी टेक्स एंटायर फैमिली अब ये मरीम लबाडूर क्या करती हैं रूथ को लेकर जो है लाला राम जीमल की फैमिली में लेकर चली जाती हैं हु कीप्स देम एंड अब ये जो लाला राम जीमल ये जो है इंडियन होकर भी जो है इनकी हेल्प करते हैं यानी ब्रिटिशर्स की हेल्प करते हैं इन्हें जो है छुपा लेते हैं एंड इन्हें जो है शेल्टर देते हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं इन्हें छुपा कर तेन इसमें एक पठान लीडर होता है जिनका नाम है जावेद खान ये क्या करते हैं इन्हें पता चलता है कि कुछ आ, जो फॉरेनर्स है वो लाला राम जीमल के घर पे जो है रह रहे हैं सो so, ये क्या करता है जावेद खान ये जो है छुपके से बिना बताए जो है लाला राम जीमल के घर पे चले चला जा जा जाता है एंड वहाँ पर जाकर जो है क्या करता है फोर्सफुली यानी पूरे फोर्स के साथ रूथ और मरीम को जो है उनके घर से लेकर आता है देन जावेद खान जो है एक कंडीशन रखता है कि अगर ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियन रिबल्स को डिफ़ीट कर पाए तो जावेद उस कंडीशन में जो है उनकी बेटी यानी मरियम की बेटी रूथ से शादी नहीं करेंगे सो कीप्स कंडीशन इफ ब्रिटिश एबल टू डिफ़ीट इंडियन रिबल्स देन जावेद विल नॉट मैरी हर डॉटर बट इफ़ दे आर डिफीटेड कि अगर ब्रिटिशर्स ख़ुद डिफ़ीट हो गए इंडियन रिबेल्स से तो क्या होगा फिर जावेद खान जो है उस कंडीशन में रूद से शादी कर लेगा सो इफ़ दे आर डिफीटेड बाय द रिबेल्स देन शी वुड गिव हर डॉटर टू हिम ब्रिटिश टेक द होल्ड ऑफ कंट्री एंड जावेद एस्केप्स सो लास्ट में क्या होता है कि ब्रिटिश जो है पूरी कंट्री पर ब्रिटिशर्स जो है वो पूरी कंट्री पर जो है कब्ज़ा कर लेते हैं एंड जावेद को जो है एस्केप कर लेना पड़ता है सो so, इस जो ये नावल है अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स सो इस स्टोरी पर जो है ये नावल बेस्ड है सो so, ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स करेक्टर के नाम जो है वो अच्छे से याद रख लेना देन देन अब बात करते हैं सेंशुअलिस्ट ये भी एक नोवेला है जो कि रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है एंड इस वर्क को जो है पुलिस ने जो है इस वर्क के लिए जो है पुलिस ने रस्किन बॉन्ड को नॉन बेलेबल वारंट से चार्ज किया था प्लीज़ रिमेंबर दिस फ्रेंड्स इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है मैं फिर से इस लाइन को रिपीट करना चाहूंगी कि इस नॉवल की वजह से इस नोवेला की वजह से रस्किन बॉन्ड को पुलिस ने चार्ज किया था नॉन बेलेबल वारंट से एंड क्योंकि इस वर्क में जो है बहुत बेहुदी बातें की हुई है इसलिए जो है रस्किन बॉन्ड को नॉन बे बेलेबल वारेंट से चार्ज किया गया था नाइनटीन में सो so, इस इस पर जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट में सो so, ध्यान रखना देन नेक्स्ट नावल है दिल्ली इज़ नॉट फार प्लीज़ रिमेंबर दिस देन नेक्स्ट नावल है एंग्री रिवर जो कि 1972 में आई थी एंड इसे इलस्ट्रेट किया था त्रिवॉर स्टबली ने प्लीज़ रिमेंबर दिस एंड इसे जो है एंग्री रिवर को पब्लिश किया गया इंडिया और इंग्लैंड में भी एंड इसे जो है अलग अलग लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया सो so फ्रेंड्स इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रांसलेटेड इन टू डच फ्रेंच एंड हिंदी सो प्लीज़ रिमेंबर दिस देन बात करते हैं एंग्री रिवर जो वर्क है उसके बारे में डिटेल से सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सीता एक करेक्टर है जो कि अपनी डॉल ममता के साथ और साथ ही साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक हट में रहा करती थी और वो हट जो थी वो एक आइलैंड में सिचुएटेड थी एंड पीपल ट्री से यानी एक पीपल का ट्री था उससे जो है क्लाइम होकर एक बॉय किशन नाम का जो है वो सीता से मिलने आया करता था बॉय किशन मीट्स हर एंड टेक्स हर अलोंग विद हिम ऑन हिज बोट अब ये किशन क्या करता है सीता और साथ ही साथ ग्रैंड पेरेंट्स को जो है अपनी बोट में सैर करवाता है फिर क्या होता है अचानक से जो है फ्लड आ जाती है जिसकी वजह से जो है ओ, उनकी यानी सीता की ग्रैंड मदर जो है और साथ ही साथ सीता की डॉल जिसका नाम होता है ममता वो सारे जो है उस पानी में जो है बह जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ सीता और साथ ही साथ सीता के ग्रैंड uh, फ़ादर जो है वो ज़िंदा रहते हैं सो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर डाइस एंड शी रिटर्न टू आईलैंड अब क्या करती है सीता जो है फिर से जिस आइलैंड पे उसकी हट थी वहीं पर वो वापस आ जाती है अपने ग्रैंड फ़ादर के साथ एंड फिर से वो जो है एक नया हाउस बनाने की कोशिश करती है एंड वो अपनी लाइफ को जो है कंटिन्यू करती है बिना डॉल और बिना ग्रैंड मदर के साथ सो एंड कंटिन्यूज लाइफ विदाउट डॉल ममता एंड ग्रैंड मदर किशन टीचर्स हर हाउ टू प्ले दू फ्लूट सो फ्रेंड्स किशन वो है जो कि मतलब सीता और साथ ही साथ उसके ग्रैंड पेरेंट्स को बोर्ड पर सैर करवाने को ले गया था ये कश्न क्या करता है ये किशन जो है सीता को फ्लूट बजाना जो है सिखाता है बाँसुरी दैन नेक्स्ट वर्क जो है रस्किन बॉन्ड का जो इम्पॉर्टेंट है जिसका टाइटल याद रखना इंपॉर्टेंट है वो ये है रोड्स टू मसूरी देन नेक्स्ट है ऑल रोड्स लीड्स टू गंगा देन नेक्स्ट है द ब्लू अम्ब्रेला जो कि 1980 में आई थी एंड फ्रेंड्स इस द ब्लू अम्ब्रेला इस नावल पे भी जो है फिल्म बनी थी और जो कि विशाल भारद्वाज की वो फिल्म थी एंड उस फिल्म का भी टाइटल सेम ही था इसी नाम से जो है फिल्म का टाइटल था द ब्लू अम्ब्रेला सो फिल्म वॉज मेड विथ सेम टाइटल देन अब कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स की जो कि रस्किन बॉन्ड के थे सबसे पहला है रूम ऑन द रूफ सो फ्रेंड्स ये सबसे पहला वर्क है रस्किन बॉन्ड का जो कि 1956 में पब्लिश किया गया था एंड उस टाइम पर रस्किन बॉन्ड जो थे वो सिर्फ़ और सिर्फ सेवेंटीन ईयर्स के थे एंड इस नावल को जो है ट्वेंटी वन ईयर्स में पब्लिश किया गया था जब रस्किन बॉन्ड ट्वेंटी वन ईयर्स के हो गए थे तब जो है इस नावल को पब्लिश किया गया था ट वॉज बॉन्ड्स फर्स्ट लिट्रेरी वेंचर कि उन्होंने जो है सबसे पहला जो है अपनी शुरुआत की थी तो वो इसी नावल को लिखने के साथ की थी देन रस्किन रोड दिस नावल एट एज सेवनटीन सो प्लीज़ रिमेम्बर दिस रस्किन बॉन्ड ने जो है इस वर्क को एज सेवेंटीन में लिखा था एंड बट इसे जो है पब्लिश किया गया था जब रस्किन बॉन् ट्वेंटी वन ईयर्स के हो गए थे तब देन ड्यू टू हिज गार्जन एंड अब बात आती है कि इसे जो है रस्किन बॉन्ड ने इस वर्क को क्यों लिखा था वो इसलिए लिखा था क्योंकि ये जो वर्क है ये डिपेक्ट करता है रस्किन बॉन्ड के जो है लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट्स जो है उनके साथ हुए थे सबसे पहला वो इस वर्क में ये बताते हैं कि उनके गार्जियन जो थे जिनका नाम था मिस्टर जॉन हैरिसन प्लीज़ रिमेंबर दिस फ्रेंड्स क्योंकि इस करेक्टर के बारे में भी पूछा जा सकता है यू नेट एग्ज़ाम में जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हुआ करते थे एंड वो जो है मतलब उनका जो एटीट्यूड था रस्किन बॉन्ड के प्रति वो बहुत ज़्यादा हर्श था He runs away from his home to live with his Indian friends. एंड इसी नावल में जो है इस चीज़ को बताया गया है कि रस्टी यानी इसमें जो है रस्किन बॉन्ड ने जो है एक फ़िक्शनल करेक्टर जो है अपनी लाइफ पर बेस क्रिएट करने की कोशिश की है एंड वो रस्टी क्या करता है वो जो है जब वो देखता है कि मिस्टर जॉन हैरिसन का बहुत हार्श एटीट्यूड है उसके प्रति तब वो क्या करता है वो अपने जो है घर को छोड़कर जो है अपने इंडियन फ्रेंड्स के साथ रहने चला जाता है देन मिस्टर हैरिसन एंड हिज वाइफ वॉन्ट्स हिम टू स्टे अवे फ्रॉम इंडियंस अब जो है मिस्टर हैरिसन एंड उनकी वाइफ चाहती थी कि जो रस्टी है वो जो है इंडियन से दूर रहे एंड वो चाहते थे कि जो रस्टी है वो जो है, वो जो है प्योर इंग्लिश मैन की तरह जो है ग्रूम हो सके यानी जो उसकी परवरिश हो वो पूरे इंग्लिश मैन की तरह हो सके यहाँ पर ग्रूम का मतलब है प्रिपेयर देन हैरीसन स्ट्रिंजेंट बिहेवियर पर टर्ब्स रस्टीज फ्लरिशिंग टीन एज ईयर्स की कहने का मतलब है हैरीसन यानी जॉन हैरीसन का स्ट्रिंजेंट बिहेवियर यानी कि हार्श बिहेवियर उस उस हार्श बिहेवियर ने कहीं ना कहीं रस्टी को जो है परेशान करके रख दिया था वो अंदर से जो है अनसेटल हो गया था अव्यवस्थित टाइप का हो गया था रस्टीज़ फ्लरिशिंग टीन एज ईयर्स कि अब जो है जो उसके फ्लरिशिंग टीन एज ईयर्स थे वो भी पूरे बर्बाद हो चुके थे क्योंकि वो जो है अपने गार्जन का जिनका नाम है जॉन हैरिसन उनके स्ट्रिंजेंट बिहेवियर को वो जो है बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था उन यानी रस्टी से जो है जॉन हैरिसन का स्ट्रिक्ट और हार्श बिहेवियर जो है एंड्योर ही नहीं हो पा रहा था वो इस चीज़ को बियर ही नहीं कर पा रहा था ऑन द इवनिंग ऑफ होली अब क्या होता है होली uh, की शाम को रस्टी रिटर्न्स होम डर्टली स्मियर्ड इन कलर्स की अब जो है रस्टी जो है होली की शाम को वापस घर पे आता है एंड वो जो है उनके अंकल देखते हैं कि रस्टी जो है उसकी पूरी शर्ट जो है मतलब कलर से स्टेंड है स्मियर्ड का मतलब होता है स्टेंड जब दाग धब्बे लग जाते हैं द गार्जन बिगनस बीटिंग हिम अब जो है जॉन हैरिसन जो कि रस्टी के गार्जन हुआ करते थे अब जो है वो मतलब मारना शुरू कर देते हैं और ब्रूटल तरीके से जो है उसको मार पड़ती है एंड देन रस्टी वॉज अनएबल टू कंट्रोल अब जो है रस्टी से ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो पाती अब वो क्या करता है फ्रस्ट्रेशन के साथ जो है वो वापस जो है अपने गार्जन को मार देता है और साथ ही साथ वो जो है घर छोड़कर चला जाता है अपने इंडियन फ्रेंड्स के साथ जो है रहने सो so ये जो है ये स्टोरी इस चीज़ पर बेस्ड है सो so फ्रेंड्स इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है सो so आप ध्यान रखना देन सेवेंटीन uh, अब बात करते हैं कि ये जो वर्क है ये क्या डिपेक्ट करने की कोशिश कर रहा है इसमें जो है सेवनटीन ईयर ओल्ड एंग्लो इंडियन बॉय को दिखाया है यहाँ पर सेवनटीन ईयर ओल्ड एंग्लो इंडियन बॉय जो है वो खुद रस्किन बॉन्ड है एंड यहाँ पर जो है उन्होंने जो है एक रस्टी नाम का फिक्शनल क्रिए करेक्टर जो है वो क्रिएट किया है अपनी लाइफ पर बेस्ड ये बताया गया है रस्टी कॉट इन द मैनस लैंड अब जो है रस्टी जो है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में जो है कंफ्यूजन में अपनी लाइफ को जो है स्पेंड कर रहा है इस नावल में इस चीज़ को बताया गया है सो कॉट इन द मैंस लैंड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। इट इज़ एन अकाउंट ऑफ अ बॉय रिबेलिंग अगेंस्ट द स्ट्रिक्ट अथॉरिटी ये कहने का मतलब है कि ये वर्क जो है ये एक तरीके का अकाउंट है जो कि एक आ, मतलब बॉय के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है जो कि रिबेल कर रहा है स्ट्रिक्ट अथॉरिटी के अगेंस्ट और वो स्ट्रिक्ट अथॉरिटी कौन है वो स्ट्रिक्ट अथॉरिटी है रस्टी के गार्जन जिनका नाम है मिस्टर हैरिसन एंड रनिंग अवे फ्रॉम देयर एंटीसेप्टिंग कन्फाइंस कन्फाइन्स अब रस्टी क्या कर रहा है जब वो हार्श एटीट्यूड देखता है अपने गार्जनस का वो क्या करता है वो छोड़ जो है चला जाता है और अपने इंडियन फ्रेंड्स के साथ रहने लग जाता है सो so, इसी सेंस में एंड रनिंग अवे फ्रॉम देयर एंटीसेप्टिक कन्फाइंस सो प्लीज़ रिमेंबर दिस टू लिव विथ इंडियन फ्रेंड्स देन अकाउंट ऑफ रस्टी अडेप्टिंग टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ कि ये वर्क जो है ये अकाउंट है जो कि रस्टी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि वो धीरे धीरे जो है इंडियन वे ऑफ लाइफ यानी इंडियन तौर तरीक़ों में जो है अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो जो है इंडियन फ्रेंड्स के साथ मिक्सअप हो गया है घुल मिल के रहने लगा है एंड साथ ही साथ उन्हें जो है यानी रस्टी करेक्टर को जो है अपने इंडियन फ्रेंड से प्यार मिल रहा है रिसीविंग द अफेक्शन सो इट इज़ इन अ वे द प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिविजुअलिज्म ये वर्क जो है एक तरीके का प्रोटेस्ट भी शो कर रहा है इंडिविजुअल इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट एंड साथ ही साथ इस वर्क के थ्रू जो है रस्किन बॉन्ड अर्ज कर रहे हैं सोशलाइजेशन के लिए <clears throat> न रस्टीज़ हैप्पी एडवेंट इन टू कपूर्ज हाउस कि इस वर्क में ये भी बताया गया है कि र, रस्टी जो है अब जो है कपूर या, यानी कि एक कपूर फैमिली के हाउस होल्ड में यानी कपूर फैमिली के घर में जाकर जो है वो अब रहने लग गया है सेटल हो चुका है यहाँ पर एडवेंट का मतलब है अराइवल सो रस्टीज़ अराइवल इन टू कपूरज हाउस होल्ड दैन देन नेक्स्ट वर्क के बारे में बात करते हैं द वुमेन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर एट ये वर्क जो है ये डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ विज़न ऑफ अ परफेक्ट मदर इसमें जो है ये बताया गया है यानी इस चीज़ का विज़न किया गया है कि किस तरीके से जो है परफेक्ट मदर होनी चाहिए एक परफेक्ट मदर जो है वो बियर कर रही है अपने बच्चे के टेंट्रम्स को यानी नखरों को यहाँ पे टेंट्रम्स का मतलब है नखरे करना यानी उनका जो बेटा है यानी एक मदर है उनका बेटा जो है वो टेंट्रम्स यानी नखरे कर रहा है बार बार एंड उस उनकी मदर क्या कर रही है उन नखरों को झेलती जा रही है देन फिर क्या होता है अ स्ट्रेंज वुमेन कम्स टू अरुण यहाँ पे उस बच्चे का नाम है अरुण अब जो है एक स्ट्रेंज वुमेन जो है अरुण के पास आती है एंड वो स्ट्रेंज वुमेन जो है अरुण की तरह ही ट्रेन के आने का वेट कर रही होती हैं हु इज़ वेटिंग फॉर द ट्रेन देन फाइंडिंग दैट ही डज नॉट हैव इज़ मदर विद हिम अब ऐसा अरुण को ऐसा लगता है कि उसकी मदर जो है उसके साथ नहीं है सो so, उसकी मदर यानी कि ये जो स्ट्रेंज वूमेन होती है ये अरुण को जो है ऑफर करती है जैसे कि चाय समोसा और साथ ही साथ मेटर्नल सिक्योरिटी भी सो so, ये जो वर्क है ये इस चीज़ के बारे में है So, इस वर्क के थ्रू क्या बताया गया है कि स्ट्रेंज वूमेन के अंदर भी जो है अरुण ने जो है कुछ झलक देख ली एक आइडियल मदर की एंड ये जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल प्रेजेंटेशन है यानी रस्किन बॉन्ड की ऑटोबायोग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें जो है वो चाहते थे यानी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काश उनकी मदर भी अगर वो जिंदा होती तो कुछ इस तरीके की होती विच इज़ ऑटोबायोग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ मदर of most wanted mother by ruskin then then next hai the story ye ek story hai. please remember this एंड इस स्टोरी का नाम है द फ्यूनरल एंड ये फ्यूनरल स्टोरी जो है ये एक तरीके का अकाउंट है जो कि बताता है जिसमें जो है डिपिक्ट किया गया है ये ये वर्क जो है रस्किन बॉन्ड ने अपने फादर की डेथ हो जाने के बाद लिखा था जिसमें जो है वो बता रहे हैं रस्किन बॉन्ड जो है अपनी पर्सनल फीलिंग्स को डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो है अब कहीं ना कहीं वो जो है इमोशनल जो है इमोशनली एम्प्टीनेस आ गई है वैक्यूम का मतलब होता है खालीपन और साथ ही साथ उन्हें जो है मेंटल शॉक लग रहा है कि अब जो है उनकी फैमिली में अब उनका कोई नहीं रहा अ स्मॉल बॉयज़ प्रेयर्स टू गेट हिज फादर री इनकारनेटेड कि जो रस्किन बॉन्ड के पेरेंट्स थे वो जो है बहुत ज़्यादा जब रस्किन बॉन्ड चो, मतलब छोटी उम्र के थे उसी टाइम पर जो है वो गुजर गए थे सो so, अब जो है रस्किन बॉन्ड जो है ये विश कर रहे हैं कि उनके काश उनके फादर जो है फिर से जन्म लेकर जो है वापस आ जाए सो प्रेयर्स टू गेट हिज़ फादर री इंकारनेटेड एज अ वेरी जेंटलमैन एंड हिज डिज़ायर टू गेट हिज़ फादर री बॉन्ड सो फ्रेंड्स इस इसका भी ध्यान रखना क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है देन देन हम बात करते हैं रस्किन बॉन की सेकेंड नावल की एंड उस नावल का नाम है एन एक्स फॉर द रानी जो कि नाइनटीन सेवेंटी टू में आई थी देन इट इज अ मर्डर मिस्ट्री सो एन एक्स फॉर द रानी जो है एक तरीके की मर्डर मिस्ट्री नॉवल है जिसमें रानी जो है वो एक्ट कर रही है प्रोक्योरस की तरह यानी ये जो है मतलब रानी जो है प्रोस्टिट्यूशन यानी लड़की लड़कियां जो है ढूंढ के लाती है एंड उनसे जो है प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाती है सो so ये एक तरीके की प्रोक्योरस है जो कि दूसरी लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाती है और किसके लिए एक वेल्दी बिजनेस मैन के लिए जिसका नाम है दलीप सिंह एंड अब ये क्या करती है इंट्रोड्यूसेस कमला टू हिम अब ये रानी जो है एक आ, औरत जिसका नाम है कमला उसको जो है इंट्रोड्यूस करवाती है दलीप सिंह के सामने एंड ये जो कमला है ये एक लड़की है जो कि 12 से तेरह साल की है अब कीमत लाल एंड इस वर्क में जो है एक कीमत लाल है जिन जिन जो कि इंस्पेक्टर है एंड उनका जो है पूरा का पूरा करियर जो है वो डिपेंड करता है कि वो जो है रानी का मर्डर केस सॉल्व करें और वो भी मसूरी में द लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स इनक्रीजेस रेपिडली वन कीमत लाल स्टार्ट विजिटिंग अब जो है जिस तरीके से कीमत लाल जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है तो कीमत लाल को जो है ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो है सस्पेक्ट इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे जो है इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे जो है सो so, स्टार्ट्स विजिटिंग एंड इंटेरोगेटिंग रानीज नेबर अब कीमत लाल क्या कर रहा है वो जो है इंटेरोगेट कर रहा है रानी के आस पास के नेबर से रानी जो थी वो एक तरीके की प्रोक्योरस थी प्रोक्योरस का यहाँ मतलब है कि वो जो है दूसरी लड़कियों को मतलब ढूंढ कर लाती थी एंड उनसे जो है प्रॉस्टिट्यूशन का काम करवाती थी देन बिग क्वेश्चन मार्क टेक्स प्लेस अब जो है एक बड़ा क्वेश्चन मार्क् आ जाता है वो कैसे जब जो है ये पता लगता है कि रानी का एक्स सर्वेंट भी उसका भी मर्डर हो गया है द यंग गर्ल कमला एंड द बिजनेस मैन दलीप सिंह बिकम द सेंटर ऑफ सस्पिशन अब ये लगता है कि जो यंग गर्ल है कमला और साथ ही साथ दलीप सिंह उन पर जो है मतलब शक किया जा रहा है एंड वो जो है शक के घेराव में आ चुके हैं बिकम द सेंटर ऑफ सस्पिशन कीमत लाल डजेंट सॉल्व द केस बिकॉज ऑफ हिज डीप अटैचमेंट टू कमला अब जो है कीमत लाल जो है केस को सॉल्व नहीं करना चाहते क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं डीपली अटैच हैं कमला नाम की लड़की से जो कि 12 से 13 साल की है इट हिंड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लव इन बॉन्ड स्टोरी कहीं ना कहीं ये स्टोरी जो है मतलब ये चीज को डिपेक्ट करने की कोशिश करती है कि बॉन्ड्स की यानी रस्किन बॉन्ड की स्टोरी में जो है कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस दी जाती है प्यार को क्योंकि कीमत लाल जो है कहीं ना कहीं कमला से प्यार करते थे इसलिए वो नहीं चाहते थे इस केस को सॉल्व करना देन अब बात करते हैं लव इज़ अ सैड सॉन्ग ये भी एक वर्क है दिस वर्क डील्स विद अ राइटर फॉलिंग इन लव विद अ गर्ल कि ये जो है ये वर्क डील करता है एक राइटर से जो कि जिसे जो है प्यार हो गया है बहुत छोटी लड़की से सो विच इज़ अ यंगर गर्ल टू हिम शी इज़ अन इनिशली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम कि अब जो है वो राइटर ये भी जानता है कि वो गर्ल जो थी यानी वो यंगर गर्ल कहीं ना कहीं वो अट्रैक्टेड है उस राइटर से बट लेटर शी डिसाइड्स टू ब्रेक द रिलेशनशिप अब वो यंगर जो लड़की है वो चाहती है कि अब जो है इस राइटर से रिलेशनशिप जो है नहीं रखनी चाहिए एंड बीइंग नॉलेजबल 15 ईयर ओल्ड गर्ल कि अब जो है वो अपनी रिलेशनशिप जो है जो कि राइटर जो था वो उस लड़की से काफ़ी ज़्यादा बड़े थे तो अब वो लड़की क्या करती है उनसे रिलेशनशिप अपनी तोड़ कर जो है अब वो पंद्रह साल की हो गई है और और अब जो है उसे जो है इस दुनिया के बारे में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एंड काफ़ी नॉलेजेबल बन गई है तो वो क्या कर रही है एक्सेप्ट द मैन अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ हर फैमिली अब वो चाहती है कि उसे जो है उसी की फैमिली की पसंद का जो है मतलब कोई लड़का मिले जिससे वो जो है शादी कर लेगी एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकम्स एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल एंड जो है टाइम के साथ साथ वो जो है वो लड़की जो कि बहुत यंग थी वो अब प्रैक्टिकल हो चुकी है एंड मैंटली रिकनसाइल टू हर मैरिज कॉम्प्रोमाइज़ अब वो क्या करती है अब वो जो है पूरे दिमाग के साथ जो है रिकनसाइल करने की कोशिश करती है यानी अपने जो है फिर से रिस्टोर कर लेना चाहती है फ्रेंडली रिलेशन उस आ, मतलब राइटर के साथ जो कि उससे काफ़ी बड़ा है एंड उससे जो है शादी करने के लिए तय कर लेती है पहले वो मना कर देती है और वो चाहती है कि उसको जो है उसी की फैमिली की पसंद का जो है कोई लड़का मिले बट वो जो है टाइम के साथ साथ प्रैक्टिकल हो चुकी है एंड वो जो है अपने माइंड को सेट करती है कि अब जो है उसे उस राइटर के साथ जो है शादी कर लेनी चाहिए देन देन नेक्स्ट वर्क है अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स सो दिस वर्क टॉक्स अबाउट रस्किन बॉन्ड स्ट्रगल फॉर अ कम्फर्टेबल लिविंग कि इस वर्क में जो है इस चीज़ के बारे में भी बात की गई है कि रस्किन बॉन्ड जो है वो बार बार जो है स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि वो जो है कंफर्टेबली जो है अपनी लाइफ को जी सकें इट लव्स विद जावेद लव फॉर एन इंग्लिश गर्ल रूथ कि इस वर्क में जो है ये बताया गया है कि वो जो, जावेद जो है एक इंग्लिश गर्ल जिसका नाम था रूथ उससे बहुत प्यार करता है और साथ ही साथ जो है ये वर्क जो है ये बैकड्रॉप बताता है यानी ये वर्क जो है इस वर्क पे बैकड्रॉप दिखाया गया है इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस जो कि एटीन फिफ्टी में हुआ था एंड साथ ही साथ जो है द फ्यूरियस रेवोल्यूशनरी जावेद खान कैप्चर्स रूट प्रेसिस अब क्या करता है ये जो ये जावेद खान जो है वो एक तरीके का रेवोल्यूशनरी है एंड इस जावेद खान को जो है उसकी एंथुजियाज्म और पैशन के लिए जो है रूथ जो कि ब्रिटिशर हुआ करती थी वो जो है जावेद खान को प्रेज़ कर रही है एंड काफ़ी ज़्यादा जो है उसकी तारीफें कर रही है उसे एडमायर कर रही है क्योंकि वो जो है रूथ जो है जावेद खान के प्रति जो है फैसिनेटेड है बिकॉज ऑफ हिज हीरोइज्म एंथुजियाज्म एज वेल एज हिज़ पैशन देन दैन नेक्स्ट वर्क है द टाइम स्टॉप सेट शामली सो ये जो शामली है ये एक जगह का नाम है दिस वर्क टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल ग्रोज एंड फेड्स अवे वाइल टाइम रिमेंस द सेम कि कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल जो है एक टाइम के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो ग्रो अप हो जाते हैं यानी मेचोर हो जाते हैं एंड फिर एक टाइम के साथ जब वो ओल्ड हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे फेड होने लग जाते हैं जब वो उनकी ओल्ड एज आ जाती है सो वाइल टाइम रिमेन्स द सेम यानी टाइम जो है हमेशा सेम ही रहता है चाहे इंसान जो है बड़ा हो जाए या फिर वो फेड हो जाए यानी ओल्ड एज आने के बाद वो फेड हो जाए बट टाइम जो है वहीं का वहीं सेम ही रहता है इन अ होटल इन शामली आफ्टर लंच द ऑथर गोज़ इन टू एन आफ्टरनून नैप कि कहने का मतलब है कि एक होटल में जो कि शामली में था शामली यहाँ पर एक जगह का नाम है लंच के बाद ऑथर क्या करता है आफ्टरनून नैप पर चला जाता है लॉन में यानी गार्डन में जो है वो जाकर जो है सो जाता है यानी पूरी तरह नहीं सोता बस मतलब अपनी आँखों को बंद कर लेता है ताकि उसे जो है थोड़ी देर आराम मिल सके एज इफ़ इन अ ड्रीम ही वेक्स अप एंड फाइंड्स सुशीला नियर हिम अब जो है उसे जो है ड्रीम में जो है वो मतलब ड्रीम ऐसी ड्रीम कर रहा होता है यानी सपने ले रहा होता है कि उसे जो है कहीं ना कहीं सुशीला जो है उसके पास आ गई है एंड वो जो है उठ उठ जाता है यानी अपने ड्रीम में ही वो उठ जाता है और वो देखता है सुशीला जो है उसके पास आई है शी टेल्स हिम ऑफ हर मैरिज टू द होटल मैनेजर अब जो है उसके ड्रीम में जो है सुशीला उसे बताती है कि अब जो है उसकी शादी होने वाली है एक होटल मैनेजर के साथ देन शी विस्पर्स टू द नरेटर अब जो है सुशीला उसे आ, मतलब कान में कहती है कि दैट शी विल डेफिनेटली बी वेटिंग फॉर हिम अब वो जो है सुशीला उस उनके कान में कहती है नरेटर के कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ नरेटर का वेट कर रही है स्टेशन में इन द स्टेशन नेक्स्ट मॉर्निंग इफ़ शी मेक्स हर माइंड टू रन अवे विथ हिम अब जो है सुशीला उनसे ये कह रही है उन्हीं के ड्रीम्स में यानि नरेटर जो है इन सब चीज़ों को अपनी इन सब चीज़ों की ड्रीम ले रहा है यानी सपने देख रहा है कि सुशीला उनसे कह रही है कि वो जो है नेक्स्ट स्टेशन, यानी नेक्स्ट डे स्टेशन पे मिल जाए ताकि जो है वो नरेटर के साथ चली जाएगी और होटल मैनेजर के साथ शादी नहीं करेगी बट जैसे ही वो उठता है नरेटर यानी रियलिटी पर में आ जाता है तो देर वॉज नो सुशीला अब जो है उसे सुशीला नहीं मिलती ऑथर गोज़ बैक टू मसूरी अब क्या करता है ऑथर जो है फिर से मसूरी चला जाता है सो so, इस वर्क में जो है इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया गया है कि ट्रुथ ऑफ़ मैरिड लाइफ यानी इस चीज़ के बारे में बताया गया है देन दैन अब बात करते हैं द ब्लू अम्बरेला वर्क के बारे में सो इट रिवील्स डैट द ह्यूमन वाइसिज़ आर नॉट इन बॉन्ड कि इस वर्क में जो है इस इंपॉर्टेंट चीज़ को जो है यूनिवर्सलाइज किया गया है कि ह्यूमन जो है ह्यूमन ह्यूमन बींग्स जो है वो कभी क्रिमिनल्स नहीं होते बचपन से यानी वो जो है इन चीज़ों के साथ इनबोंड नहीं होते बट उन्हें जो है हम जो है हमेशा इस चीज़ पर जो है क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं वैसे होते हैं बट क्या कभी आपने उनकी साइकोलॉजी को समझ के देखा है कि कोई भी जो है ह्यूमन बींग्स कभी ख़राब नहीं होता कोई हम जो है ये नहीं कह सकते कि ये खराब है बट जो है उसे जो है उसके सरगम्स्टेंसेज उसकी लाइफ में जो सिचुएशंस होती है वो उसे ख़राब बनाने के लिए कंपेल कर देती है मजबूर कर देती है सो so इस चीज़ में इस वर्क में जो है इस बहुत अच्छी बात को जो है यूनिवर्सलाइज किया गया है सो so हमें भी जो है इस चीज़ से कोरिलेट कर करना चाहिए कि कभी भी ह्यूमन बींग्स जो है वाइसिस के साथ जो है पैदा नहीं होते यानी दोषों के साथ पैदा नहीं होते बट उनकी लाइफ में जो है उन ऐसे सरगमस्टेंसेज ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जो कि उन्हें जो मजबूर कर देते हैं ऐसा बनने पर यानी इविल बनने पर सो इट रिवील्स दैट द ह्यूमन वाइसेस आर नॉट इनबॉर्न बट द सरकमस्टेंसेस फोर्स अ मेन टू बी व्हाट ही इज एट प्रेजेंट दिस वर्क अम्ब्रेला इज प्रीशियस पोजेशन ऑफ अ पुअर गर्ल्स ड्रीम कि इस वर्क में जो है ये बताया गया है पुअर गर्ल्स ड्रीम व्हिच एक्ट्स एज अ कैटालिस्ट कि पुअर गर्ल की वो ड्रीम जो है एक्ट करती है कैटालिस्ट की तरह इन द कन्वर्जन ऑफ़ राम भरोसे की कि एक लड़की है वो पॉवर्टी के साथ जो है अपनी लाइफ को जी रही है एंड वो जो है उसने जो है अपनी लाइफ को जो है राम भरोसे छोड़ दिया है एंड वो जो है इस चीज़ को बताती है स्पाइट ऑफ पोजेसिंग द होल्ड ऑफ डेविल ही रिटर्न्स टू डिवाइन क्वालिटीज़ कि अब मतलब अब वो जो है पॉवर्टी ने जो है उसे कहीं ना कहीं जो है पॉवर्टी एक उसकी लाइफ में सर्गमस्टेंसेस रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो ईवल बन चुकी है बट अब वो जो है वापस जो है डिवाइन क्वालिटीज की तरफ पहुंच चुकी है धीरे धीरे उसने जो है अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है फ्रॉम डेवल टू डिवाइन देन देन अब बात करते हैं डेली इज़ नॉट फायर सो ये वर्क जो है जिसमें बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स को जो है अपनी लाइफ में ऑप्टिमिज़म के साथ जो है अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए उनकी लाइफ जो है फुल ऑफ होप्स होनी चाहिए एंड उन्हें जो है डेथ से नहीं डरना चाहिए क्योंकि डेथ तो जो है हर किसी को आनी है ये एक तरीके का यूनिवर्सल ट्रुथ है डेथ से जो है किसी को नहीं डरना चाहिए प्रोटैगनिस्ट कम्स आउट फ्रॉम हिज सेल्फ इससे क्या करता है इसमें जो है प्रोटैगनिस्ट है वो अपने सेल्फ से बाहर आता है क्रिएटेड क्लोजेट अब वो क्या करता है उसने जो है अब वो लोगों के साथ मिक्सअप होने की कोशिश कर रहा है सूरज और अजीज़ जैसे लोगों के साथ मिक्सअप होने की कोशिश कर रहा है स्पाइट ऑफ हैविंग पॉवर्टी ही नेवर लूज होप्स कि पॉवर्टी में रह कर भी वो जो है होप्स रखना छोड़ नहीं रहा दिस वर्क शोज डेथ इज़ नॉट एन एंड ये कह कहने का मतलब है कि डेथ जो है कोई एंड नहीं है बल्कि इट इज़ ओनली अ फ़ेज़ डेथ जो है एक तरीके का फेज़ है और इंटरव्यूल है यानी ब्रेक है इन द जर्नी टू एटर्निटी कि डेथ के बाद जो है हम जर्नी करते हैं एटर्निटी की एवर लास्टिंग जो कि एवर लास्टिंग होती है देन देन अब बात करते हैं द नाइट एट दियोलिंग सो इस वर्क में जो है एक टीनेज बॉय है जो कि हु वॉन्ट्स टू सी अ बास्ट सेलर गर्ल अगेन अब एक ये टीन एज बॉय जो है वो देखना चाहता है बास्केट सेलर गर्ल को बार बार जब उसने जो है सबसे पहले उस लड़की को जो है प्लेटफॉर्म पर देखा था अब वो चाहता है कि उस लड़की को वो फिर से देखे ही नेवर मीट सर अगेन एंड प्लेटफॉर्म पे जब उसने देखा था तब वो जो है उसके बाद उससे कभी नहीं मिल पाया अब वो चाहता है कि वो जो है उस बास्केट सेलर गर्ल से फिर से मिले ही नेवर मीट सर अगेन नॉट इवन बाय अ को एंड को के साथ भी वो नहीं मिल पाया को इंसिडेंस होने के बाद भी वो नहीं मिल पाया एंड नेवर ट्राइज टू फाइंड आउट द रीज़न ऑफ हर नॉट बीइंग एट द प्लेटफॉर्म एंड उसने जो है कभी ये रीज़न ही पता करने की कोशिश नहीं की कि अब वो जो है वो लड़की इस प्लेटफॉर्म पर क्यों प्रेजेंट नहीं है बट ही स्टिल हैज़ अ लॉन्गिंग टू मीट हर अब वो चाहता है कि वो जो है फिर से उसे देख पाए जिसे उसने जो है बहुत टाइम पहले प्लेटफॉर्म पर देखा था एट द सेम प्लेस ऑलवेज देन दैन नेक्स्ट वर्क है द सेंचल सो फ्रेंड्स इस वर्क की वजह से जो है रस्किन बॉन्ड के इस वर्क की वजह से जो है रस्किन बॉन्ड को पुलिस ने चार्ज किया था विद नॉन बेलेबल वॉरेंट सो प्लीज़ रिमेंबर दिस दिस वर्क इज़ माइंड ब्लोइंग रिवोल्यूशन ऑफ द इवेंट्स एंड हैपनिंगस ऑफ मैंस लाइफ इसमें जो है मैन की लाइफ के बारे में बताया गया है कि मैन जो है ओवर पावरिंग सेक्स ड्राइव के स्लेव होते हैं उन्हें जो है लस्ट होता है ओवरपावरिंग सेक्स ड्राइव ड्यू टू इन इन डिफरेंस ऑफ हर मदर टूवर्ड्स हिम क्योंकि उ, उ, उनकी मम्मी जो है यानी उस इंसान की यानी उस इंडिविजुअल की मम्मी जो है उसकी अच्छी तरीके से देख नहीं करती थी जिसकी वजह से जो है वो जो है डार्क सेंशल प्लेजर से भर गया था शी कैन नॉट परफॉर्म हर मदरली ड्यूटीज़ क्योंकि उसकी मदर जो है ढंग से मदरली ड्यूटीज़ को ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही थी एंड जिसकी वजह से उसका कॉन्सिक्वे कॉन्सिक्वेंस या फिर रिपरकशंस ये रहे कि उसकी चाइल्ड की लाइफ में जो है डिज़ास्टर आ गया वो ये कि अब जो है उसका बच्चा चाहता था कि वो भी जो है डार्क सेंशल प्लेजर्स को इन्जॉय कर पाए सो so इसमें जो है बहुत अच्छी इस चीज़ को आई मतलब यूनिवर्सलाइज़ किया गया है कि एक ह्यूमन बींग को जो है इस तरीके के थॉट्स अपने माइंड में लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ये एक तरीके का सिन है पाप है देन देन नेक्स्ट है द हैंडफुल ऑफ नट्स सो फ्रेंड्स ये एक तरीके का रोमांस नॉवल है दिस वर्क इज़ अबाउट एन एज वन एवरी इज़ अ बिग ड्रीमर कि इस वर्क के थ्रू जो है ये बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं जब वो अपने यंग एज में होते हैं तब वो एक तरीके के ड्रीमर होते हैं कि वो जो है इस चीज़ की मतलब आ, सोचते हैं कि मैं जो है बड़े होकर ऐसा बनूँगा ऐसा बनूंगा सो so, इसी सेंस में जो है इस वर्क में इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि एवरीबडी इज़ अ बिग ड्रीमर अ ग्रेट लवर और हमेशा जो है एक इंडिविजुअल चाहता है वो भी जो है किसी के लिए ग्रेट लवर बन पाए और या तो या एक्ट कर पाए रोमांटिक हीरो या फिर हीरोइन की तरह एंड जिसके क्या होते हैं डिजास्ट्रस रिजल्ट्स आते हैं कि हमें जो है कभी ड्रीम्स नहीं लेने चाहिए सो so ड्रीम्स अगर हम जब भी लें तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना चाहिए एंड फिर जो है हार्ड वर्क करके जो है उन चीज़ों को मटेरियलाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए इट्स अ रिकलेक्शन ऑफ़ बॉन्ड्स डेज ऑफ यूथ कि ये वर्क जो है ये एक तरीके का रिकलेक्शन है जिसमें जो है बॉन्ड रेस्किन बॉन्ड जो है अपने यूथ के डेज के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ वॉम्थ एंड रोमांस के बारे में भी बताने की कोशिश कर रहे हैं बट ये वर्क जो है ये एक पूरा कंप्लीट वर्क नहीं है ऑटोबायोग्राफिकल वर्क नहीं है पूरा कंप्लीट नहीं है ये इनकम्प्लीट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेंसिटिव एंड ओकेजनली मिसचीवियस यूथ कि इसमें जो है ये बताया गया है कि हमारा यूथ जो होता है वो बिल्कुल यूथ जो टाइम आता है वो बहुत सेंसिटिव होता है और मिसचीवियस होता है यहाँ पे मिसचीवियस का मतलब है शरारती टाइप के होते हैं हम लोग सो so, न दे नेक्स्ट वर्क है ये एक तरीके की स्टोरी है जो बताते है कि बताते हैं कि एजुकेशन फील्ड में भी कहीं ना कहीं करप्शन है और मिस्टर कौशल जो है इसमें फॉल्स सर्टिफिकेट्स जो है लोगों के लिए बनाते हैं और वो भी पैसों के लिए दैन नेक्स्ट वर्क है गार्जन आ गार्जन एंजल इट्स स्टोरी अबाउट अ मिस्ट्रेस आंट मरियम की ये एक तरीके की स्टोरी है मिसट्रेस की एंड इसमें आंट मरियम जो है वो अपना जो प्यार है वो एक औरफन नेफ़्यू अपने एक औरफन नेफ़्यू पर जो है शॉवर करती है एंड डस सम साइलेंट सेक्रीफाइस एंड उसके लिए जो है साइलेंट सेक्रीफाइस भी करने की कोशिश करती है एंड शी इज़ कंसीडर्ड एज आइडियल मदर और एंजल सो so वही आंट मरियम जो है वो अपनी मद नेफ्यू के लिए एक तरीके से आइडियल मदर भी है और एंजल भी है इसी पर बेस्ड जो है ये नावल का टाइटल पढ़ा अ गार्जन एंजल यानी स्टोरी का टाइटल पढ़ा देन देन अब बात करते हैं अनट अनटचबल वर्क सो ये एक तरीके की शॉर्ट स्टोरी है प्रोटैगनिस्ट कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ स्वीपर बॉय इसमें क्या करता है प्रोटैगनिस्ट uh, होता है वो जो है एक स्वीपर बॉय के कॉन्टैक्ट में आ जाता है एंड वो जो है प्रोटैगनिस्ट सो जाता है उसी के साथ फियरफुल नाइट में जो कि बहुत स्टॉमी होती है एंड उसकी बास्केट को भी जो है टच करने की कोशिश करता है उसके ब्रूम को झाड़ू को भी टच करने की कोशिश करता है एंड वो प्रोटैगनिस जो है उसका फ्रेंड बन जाता है यानी इस स्वीपर बॉय का फ्रेंड बन जाता है सो इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑन बॉन्ड्स ऑन व्यू कि ये जो वर्क है ये बॉन्ड जो है दूसरे लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कर रहे हैं कि वो भी जो है बाकी लोग भी जो है वो दूसरों के साथ यानी जो अनटचेबल्स होते हैं वो भी इसी तरीके से मतलब इसी सेम मैनर में जो है बिहेव करें जैसे अनटचेबल लोगों के साथ सो so, इस प्रोटैगनिस के थ्रू जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बॉन्ड जो है इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी सारे लोग भी जो है इसी बिहेवियर के साथ जो है अनटचेबल से बिहेव करें एंड कोई जो है डिफरेंस ना देखें डिफरेंट कास्ट के और क्रीड के लोगों के बीच में सो so फ्रेंड्स ये भी एक तरीके की शॉर्ट स्टोरी है अनटचेबल देन देन नेक्स्ट वर्क है द आईज़ इट सो ये वर्क है ये एक तरीके का अकाउंट है जो कि ऑफ द सिचुएशन ऑफ़ टू ब्लाइंड स्ट्रेंजर्स कि इसमें जो है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है जिसमें यह बताया गया है कि दो ब्लाइंड स्ट्रेंजर्स जो है वो ट्रैवल करते हैं सेम कंपार्टमेंट में और सेम ही ट्रेन में दे बोथ कंसील देर ब्लाइंडनेस फ्रॉम ईच अदर एंड वो दोनों ही जो है एक दूसरे से आप, मतलब ये छुपाते हैं ये दोनों स्ट्रेंजर कि वो दोनों ही ब्लाइंड है इस चीज़ को जो है वो एक दूसरे से छुपाते हैं एंड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द विज़िबल वर्ल्ड और वो जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं इस विजिबल वर्ल्ड की ब्यूटी को ऑन देयर मेंटल सर्फेस यानी इस इल्यूजनरी वर्ल्ड के जिसे हम विज विजिबल वर्ल्ड से भी एसोशिएट करते हैं उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे से ये छुपा रहे हैं कि वो दोनों ही ब्लाइंड हैं देन नेक्स्ट वर्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिस वर्क का नाम है वैग्रेंट्स इन द वैली सो फ्रेंड्स ये भी एक तरीके का नोवेला है प्लीज़ रिमेंबर दिस दिस वर्क इज़ ऑल्सो अ नोवेला सो so, ये वर्क जो है ये बेस्ड है एक थीम पर जिस थीम का नाम है यूनिवर्सल ब्रदरहुड और लव इसमें एक गूंगा होता है जो कि यंग डम वैग्रेंट होता है डम वैग्रेंट का यहाँ पर मतलब है वो भी एक तरीके से नोमैड होता है वंडरर होता है जो कहीं पे भी घूमता रहता है सो वैगरेंट्स इन द वैली में एक करेक्टर है गूंगा जो कि डम वै वैगरेंट होता है वैगरेंट का यहाँ पर मतलब है नोमैड यानी जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है इज़ लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय रस्टी अब जो है इस गूंगे को जो है यानी इस गूंगा करेक्टर को जो है प्यार और रिस्पेक्ट मिली रस्टी नाम के करेक्टर से इवन इन स्पाइट ऑफ पोजेसिंग इम फिजिकल अपेरेंस कि रस्टी जो है गूंगा गुंग, जो करेक्टर है इस इस करेक्टर में जो है इम्परफेक्शन है और साथ ही साथ इसका फ़िज़िकल अपेयरेंस भी सही नहीं है उसके बावजूद भी रस्टी नाम का करेक्टर इनसे प्यार करता है और इन्हें रिस्पेक्ट देता है देन देन नेक्स्ट है द गर्ल फ्राम कॉपिनगिन द गर्ल फ्रॉम कॉपन हैगेन सो दिस वर्क डील विद अनकंडीशनल लव लव विदाउट कमिटमेंट कि कहा जाता है कि लव प्यार जो होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए बिना किसी कमिटमेंट के होना चाहिए या या फिर डिवोशन के होना चाहिए इसमें एक गर्ल है इला और उनका लवर जो है वो दोनों जो है एक दूसरे के प्यार में जो है एक दूसरे के टच को जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड एक दूसरे की बॉडी को सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय फील कर रहे हैं और एक दूसरे की टेक्सचर से जो है उन्हें वॉम्थ मिल रही है इन वन नाइट दे बोथ गेट ऑल एटर्निटी एंड एक ही रात में जो है उन्हें एटर्निटी मिल जाती है दे फील परफेक्शन इन दे रिलेशनशिप उन्हें ऐसा लगता है कि उनके रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है एंड वो जो है अब उनसे जो है सालों का वेट नहीं हो रहा अब वो जो है जल्दी से एक दूसरे के साथ यूनाइट होना पसंद करते हैं देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर यू जी सी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग